हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में आज V4 सबमर्सिबल मोटर आई है सिंगल फेस की। कस्टमर का कहना है ये पानी नहीं दे रही है। अब ये चल भी रही है या नहीं चल रही है, जली है या पंप में कोई दिक्कत है, तो आप आज आपको हम सब इसमें लाइव बताएंगे क्या दिक्कत है इसमें और क्या समस्या है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम मोटर चेक करेंगे दोस्तों। तो चलिए मोटर चेक करते हैं। पहले देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमको मल्टीमीटर ले लेना है और हमारे मल्टीमीटर को चेक कर लेना। ये देखिए हमारा सही से चल रहा है। सबसे पहले हमको दोस्तों इस प्रकार से मोटर चेक कर लेना ज़रूरी है। देखिए हमारी कॉन्टिन्यूटी आ रही है सही से इसमें, और हमारी मोटर भी सही बता रही है, बॉडी अर्थ भी नहीं है हमारी मोटर। तो दोस्तों हमारी मोटर तो सही है। अब हम कपल खोल के देखते हैं इसमें पंप में दिक्कत है क्या, समस्या है, फिर आपको इसको कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो चलिए हमारे ये चार नट लगे हुए हैं, ये हम खोलते हैं पहले जल्दी से और फिर आपको कपल खोल के दिखाते हैं क्या समस्या है इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इसके चारों नट खोल लिए हैं कपल के, और अब इसको बाहर करते हैं। पंप को हमने बाहर कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, हमारी मोटर तो एकदम फ्री है। हमारी मोटर में दोस्तों कोई समस्या नहीं है। अब हम आपको इसका दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमको यहीं पे समस्या लग रही है। इसका हमारा कपल में चाबी कट गई है। तो अभी इसको कपल को खोल के देखते हैं हम क्या दिक्कत है। ये जो हमारा पंप का कपल लेता है दोस्तों, इसकी यहाँ पे अंदर जो चाबी लगती है शाफ्ट में हमारे, वो कटी हुई लग रही है अभी हमको, क्योंकि हमारा एक कपल ही घूम रहा है केवल और पंप पूरा नहीं घूम रहा है। तो चलिए इसको खोलते हैं पहले। तो चलिए इसमें यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एलंकी रहती है। ये देखिए दोस्तों, एक हमारा ये टुकड़ा भी टूटा हुआ निकला है इसमें, ये वाला शायद हमारा कपल ही है, टूट चुका है। तो इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमारी एलंकी लगी हुई रहती है इसमें, जिससे हमारा कपल कसाता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कपल ही टूट चुका है। ये देखिए, ये इसी का टुकड़ा है दोस्तों, ये यहाँ से हमारा कपल ही टूट चुका है। इस कारण क्या होता है कि हमारी पंप पूरा घूम नहीं पाता है, बस हमारी ये कपल में रहती है, यहाँ से ये घुमा करता है, और इस कारण से हमारी ये शाफ्ट भी कट जाती है। अगर दोस्तों ज़्यादा कस्टमर अगर इसको चलाएगा तो ये हमारी शाफ्ट भी इसकी कट जाती है इस स्थिति में। तो अभी हमारी शाफ्ट तो हमको कटी हुई नहीं लग रही है। तो दोस्तों ये हमारा कपल ही टूटा हुआ निकला है। कपल टूटने की वजह से हमारी चाबी भी निकल के गिर गई होगी इसमें से, तो इस कारण से ये हमारी मोटर पानी नहीं दे रही है। तो चलिए अब इसमें हम नया कपल डालेंगे। चलिए दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से हमको ये कपल दूसरा डालना पड़ेगा। ये हमारा कपल इस प्रकार का रहता है। ये देखिए हमको ये मिला लेना है कपल को। जब भी कपल डालो तो आप साइज मिला ले इसकी सही से। ये हमारी बूच की साइज रहती है, इसमें हमारा बूच चलता है दोस्तों। यहाँ पे हमारा बूच लगा हुआ है सेक्शन में, तो ये हमारा 21 का बूच लगा हुआ है इसमें। तो ये हमारी साइज सेम होना चाहिए, और ये जो हमारी साइज है ये भी हमारी साइज सेम होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए, ये भी हमारी साइज सेम है। ये 18 mm का बोर रहता है इसका, इसमें 20 mm के बोर की भी आती है। तो ये हमारी इसमें 18 की लगी है, और चाबी गाले हमारे इसमें 2 है। तो हम जो हमारी चाबी उसमें लगी होगी, 4-4 की लगी होगी तो 4-4 की लगा देंगे, 6 की लगी है तो 6 की लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो
तो ये हमारा देखिए कपल सेम है। अब हमको ये कपल चेंज करना है, तो ये देखिए हमको इसमें एक चाबी भी लगाना पड़ेगी इस प्रकार से। चलिए तो दोस्तों ये हमारा कपल अब किस प्रकार से हमको लगाना है ये देखिए। पहले तो हम इसको ऐसे ही लगा के देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा शाफ्ट में सही से है ये। अब हमको पहले क्या करना है, ये इसमें हमको चाबी भी लगती है दोस्तों। ये देखिए ये यहाँ पे एक चाबी लगाना पड़ती है, इस चाबी से हमारा ये रुका हुआ रहता है। तो ये चाबी भी लगाना है हमको। तो देखिए इस प्रकार से हमको चाबी को यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए इस प्रकार से चाबी को लगा के और हम इसको इसमें बिठा देंगे। देखिए इस प्रकार से हमारे इसमें शाफ्ट में भी चाबी का खांचा बना हुआ रहता है। तो हमको इस प्रकार से इसमें आराम से बिठा देना है दोस्तों। ये देखिए हमारा बैठ चुका है ये। और अब हमको ये जो हमारी एलंकी रहती है, ये एलंकी वापस से इसमें कस देना है। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमको एलंकी टाइट कर देना है। एलंकी टाइट करने के लिए आप ऐसा पाना बना सकते हो। ये हमने देखिए बना रखा है एक शाफ्ट का मुंह काट के, और इसमें से हमको बीच में छेद भी रखना है तो हमारा सही से ये कसाएगा। तो चलिए इसको हम आपको इस प्रकार से ये हमारा लॉक का काम करेगा। ये इस प्रकार से हमको लॉक लगा के इसको अच्छे से टाइट कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से हमको एलंकी टाइट कर देना है। ये आप भी बना सकते हो इस प्रकार का पाना, कुछ नहीं करना होता है इसमें। एक हमारी जो शाफ्ट आती है 18x20 की, उस 18x20 की जो हमारी शाफ्ट आती है उसमें हमारी जो एलंकी का छेद रहता है, इस प्रकार छेद करके आप ये वेल्डिंग करके बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पंप का कपल कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये हमारा पंप भी सही से अब वर्क करने लग गया है, घूमने लग गया है। ये देखिए तो दोस्तों हमारे पंप में ये समस्या थी, इसमें हमारा एक कपल ही टूट चुका था। तो चलिए अब इसको कपल करते हैं इस पर। तो दोस्तों अब इसको हम कपल करके देखते हैं। कपल करने से पहले दोस्तों हमको इसमें पानी भर के ज़रूर चेक कर लेना है। हमारा कपल करने पे पानी इसका अगर निकल गया हो तो आप पानी ज़रूर डाल लीजिएगा। अगर पानी आप नहीं डालोगे तो मोटर हमारी जल जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से पानी हमको भरना है, और पानी भरने का हमारा यही तरीका रहता है। हमारे दो नट रहते हैं इसमें से, ये देखिए ये पानी के ही नट है हमारे। तो ये स्टेट निकल गया तो हम स्टेट में से पानी डाल रहे हैं। तो हमारा यहाँ से एक साइड से एक छेद में से हमको पानी डालना है, तो हमारा दूसरी साइड पानी निकल जाना चाहिए। देखिए इस प्रकार से ये हमने इस साइड से डाला तो इस साइड से हमारा पानी निकलने लग गया है। इस प्रकार से हमको पानी भर लेना है इसमें। चलिए अब कपल करके दिखाते हैं हम आपको। कपल करने में हमको दोस्तों कपल कभी भी करना हो तो आप ये जो हमारा चाबी का जो गाला रहता है ये केबल की सामने कर लीजिए एकदम। और इसी प्रकार हमारा जो इसमें पंप में भी जो केबल का जो निकलने का जो ये रहता है, यहाँ पे हमको इसका भी चाबी का गाला कर लेना है तो हमारा कपल करने में दिक्कत नहीं आएगी हमको। तो फ्रेंड्स इसमें हमको ये चाबी रहती है हमारी, ये चाबी लगाना हमको ज़रूरी रहता है। तो ये चाबी हम इस प्रकार से इसमें लगा देंगे। ये इस प्रकार से लगा देना हमको चाबी, और फिर कपल करना हमको। तो ये देखिए ये पंप हमारा इस प्रकार से, इस प्रकार से हमको कपल कर देना है। ये इस प्रकार से हमको पेचकस से इसकी सेटिंग देख लेना, इस प्रकार से हमको पेचकस से इसकी सेटिंग देख लेना है दोस्तों। ये हमारी गैप ऊपर नीचे भी रहना चाहिए और ये पंप हमारा उठा हुआ भी रहना चाहिए। तो चलिए इसके नट अब टाइट कर देते हैं हम आपको, और फिर इसको चला के भी दिखाएंगे आपको दोस्तों।
तो प्लीज़ हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए हम ये चारों नट जल्दी से इसके टाइट कर देते हैं, फिर आपको इसको चालू करके दिखाते हैं किस प्रकार से इसको चालू करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमको कैपेसिटर लगाना है। ये कैपेसिटर का हमको येलो वाले वायर में लगा देना है और एक तार जो हमारा रहता है कैपेसिटर का वो हमको रेड वाले में लगा देना है। ये देखिए, इस प्रकार से रेड वाले में लगा देना है और एक येलो वाले में लगा देना है। और हमारे जो ये फेस और न्यूट्रल के जो वायर आते हैं वो हमको एक ब्लू में लगाना है और एक रेड में लगाना है। इस प्रकार से आप दोस्तों बिना पैनल के मोटर हमारी चला सकते हैं। अगर आपके पास पैनल नहीं है तो इस प्रकार भी कैपेसिटर लगा के आप चला सकते हो सिंगल फेस की मोटर को। ये हमारा कनेक्शन इस प्रकार से करना पड़ता है, तो इस प्रकार से आप चला सकते हो इसको। तो चलिए हम चालू करके देखते हैं अब इसको। देखिएगा आप, हम आपको ये मोटर चालू करके दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी मोटर इस प्रकार से चालू हो गई है। चलिए तो दोस्तों, ये हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है इस प्रकार से। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।